हाय गाइस, आज हम ऑन पेज एसईओ में स्कीमा मार्कअप की बात करने वाले हैं। स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज करने का बहुत अच्छा तरीका है, और उसके साथ साथ अगर आपको आपकी वेबसाइट को गूगल पर टॉप पर रैंक कराना है तो स्कीमा मार्कअप एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कैसे स्कीमा मार्कअप को आपकी वेबसाइट में ऐड करना है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है। हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीमा मार्कअप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कीमा मार्कअप आपको आपकी वेबसाइट्स में क्यों ऐड करना चाहिए। देखिए, गूगल लव स्कीमा, गूगल को स्कीमा बहुत पसंद है, क्योंकि जो गूगल के बॉट्स होते हैं और जो क्रॉलर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट्स को स्कैन करते हैं, तो उनका काम इजी हो जाता है अगर आप स्कीमा मार्कअप का यूज करते हैं। तो सिंपल फंडा ये है, अगर आपने अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप का यूज किया है तो जो गूगल के क्रॉलर्स होंगे, जो गूगल के बोर्ड्स होंगे, इजीली आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे और उनका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम स्कीमा मार्कअप का यूज करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को क्रॉलर फ्रेंडली बना देते हैं, इससे गूगल के क्रॉलर आपकी वेबसाइट को आसानी से क्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि स्कीमा मार्कअप कैसे शो होते हैं, गूगल पे टाइप्स क्या होते हैं स्कीमा मार्कअप्स के, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना भी आपको सिखाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है एप्पल। अभी आप एप्पल में कुछ अलग से यहाँ पे रिजल्ट्स देखने वाले हैं, जिससे आप समझेंगे कि स्कीमा मार्कअप कितना इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो आप यहां पे देखेंगे, आपने बहुत सारी बार देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में इस टाइप की रिजल्ट्स यहां पे शो होते हैं। तो देख रहे हैं, ये इस टाइप से रिजल्ट्स हो रहे हैं और पूरी एप्पल कंपनी के बारे में यहां पे बताया जा रहा है, फिर एप्पल के फाउंडर्स कौन है, सीईओ कौन है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, पूरा डिफाइन किया जा रहा है। तो ये कैसे शो रहा है, ये शो रहा है स्कीमा मार्कअप की मदद से। तो आप भी अपनी वेबसाइट्स में इस टाइप का शो कराना चाहते हैं, जिससे यहां पे सीटीआर आपका इंप्रूव होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा, और अगर आप स्कीमा मार्कअप का यूज करेंगे तो गूगल के क्रॉलर्स आसानी से आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे, तो आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग इंप्रूव होने लगेगी, आपके कॉम्पिटिटर से आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है अगर आप इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो स्कीमा मार्कअप से आप इजीली इस टाइप से अपनी वेबसाइट्स को और भी हाईलाइटेड और भी लाइक यहां पे क्रिएटिव बना सकते हैं, तो इस टाइप का स्कीमा मार्कअप आप यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ स्कीमा बता देता हूं कि कितने टाइप के स्कीमा होते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। फिर जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया आईफोन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 8th वाला रिजल्ट्स आ रहा है, तो इसमें तो थोड़ा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे स्टार रेटिंग्स आ रही हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, इन स्टॉक आ रहा है कि मोबाइल स्टॉक में है, रिव्यूज में प्राइस आ रहा है उनका, फिर रिव्यूज आ रहे हैं, फिर रेटिंग आ रही है, फिर स्टार्स बने हैं। तो ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, इसमें स्कीमा मार्कअप का यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये वेबसाइट्स में स्टार रेटिंग भी गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर शो हो रही है, रेटिंग भी गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर शो हो रही है, आप अपने अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हैं, रिव्यूज भी यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में शो हो रहा है, प्राइस भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर शो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है स्कीमा मार्कअप की मदद से। देखिए, नॉर्मल वेबसाइट्स कैसी होती है, नॉर्मल वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें सिंपली आपका टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन जब आप स्कीमा मार्कअप का यूज करते हैं तो रेटिंग्स, रिव्यूज और बहुत कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल। तो भी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये है स्कीमा मार्कअप का रिजल्ट। तो इस टाइप से आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट में सीटीआर इंप्रूव कर सकते हैं। आप वेबसाइट में जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं उसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूं, मैंने गूगल पर सर्च किया पनीर बर्गर, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि वेबसाइट्स में इमेज शो हो रही है, इमेज के साथ साथ स्टार रेटिंग शो हो रही है, बोर्ड शो हो रही है, कितने मिनट्स में ये बन जाएगी, 25 मिनट्स में बन जाएगी, कैलोरीज शो हो रही है। तो ये क्या नॉर्मल वेबसाइट है, नहीं, ये स्कीमा मार्कअप की वजह से शो हो रही है इमेजेस यहां पे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में इमेजेस शो होना। अगर आपकी वेबसाइट में सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में इमेजेस शो हो रही है तो ये आपकी वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर से अट्रैक्टिव बन रही है। तो मेक श्योर अब आप स्कीमा मार्कअप का यूज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट में। आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव बन चुकी है, इमेजेस शो हो रही है हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, रेटिंग शो हो रही है, रिव्यू शो हो रहे हैं, कैलोरीज शो हो रही हैं, और भी लाइक हेडक्वार्टर्स वगैरह हम इन सबको भी शो करा सकते हैं, ऑथर्स शो करा सकते हैं, जो हमें शो कराना है हम करा सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। इससे हमारी वेबसाइट में सीटीआर इंप्रूव हो रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे स्कीमा मार्कअप का यूज करना है अपनी वेबसाइट में। तो मैं अपने वर्डप्रेस को ओपन कर रहा हूं, सबसे पहले हम वर्डप्रेस की बात करेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग वाली वेबसाइट्स में भी बता दूंगा कि कैसे आपको यूज करना है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि आपने स्कीमा का यूज किया या नहीं। उसके लिए एक टूल भी मैं बताने वाला हूं जिससे आप इजिली चेक कर सकते हैं, गूगल की तरफ से ये टूल है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने स्कीमा यूज किया या नहीं। तो पहले इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल वर्डप्रेस पे, फिर कोडिंग वाली वेबसाइट में भी बताऊंगा, फिर मैं आपको टूल बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे वर्डप्रेस पे चलते हैं। तो मैं अपने वर्डप्रेस पे आ गया हूं, वर्डप्रेस में सबसे पहले मैं एक प्लगइन डाउनलोड कर ली है, उस
प्लगइन की मदद से हम इजीली स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए प्लगइन्स में चलते हैं, बताएंगे कौन सी प्लगइन आपको डाउनलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन्स के सेक्शन में। प्लगइन्स के सेक्शन में आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन पर, आपको क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे स्कीमा। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है स्कीमा। जैसे ही आप यहाँ पे स्कीमा सर्च करेंगे आपके सामने स्कीमा मार्कअप की बहुत सारी प्लगइन आएंगी, बट मैं आपको एक प्लगइन रिकमेंड करूंगा, आप उस प्लगइन को डाउनलोड करना। रियली बहुत ऑसम प्लगइन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्टिव यूजर उसके बहुत ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे स्कीमा सर्च किया तो मेरे सामने बहुत सारी प्लगइन्स आ रही हैं, तो आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते। तो आप इसमें देख सकते कि 90,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके अभी है, तो आप इस प्लगइन को डाउनलोड करेंगे स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। तो आप इस प्लगइन को डाउनलोड करेंगे, मैं अभी इसको करता हूं इंस्टॉल और फिर हम इसको करेंगे एक्टिव, फिर आपको बताएंगे कैसे इसका यूज करना है। तो मैं इसको कर रहा हूं इंस्टॉल, ठीक है। अभी हम इंस्टॉल करने के बाद अभी हम इसको करते हैं एक्टिव। तो मैंने इसको एक्टिव कर लिया, एक्टिव के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टाइप्स बता रहा है, ये सपोर्टेड करता है अगर आप रिव्यूज देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में। जिस टाइप से मैंने पनीर टिक्का में रिव्यूज आपको बताए थे, आईफोन में रिव्यूज बताए थे, तो आप दे सकते हैं। किसी पर्सन को इंक्लूड करना चाहते हैं, वीडियो स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहते हैं, रेसिपी स्कीमा मार्कअप, जिस टाइप से अभी रेसिपी में हम गए थे तो जो बर्गर की हमने रेसिपी बताई थी उस टाइप का स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहते हैं, इवेंट स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप की स्कीमा मार्कअप है, आप यूज कर सकते हैं फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे एनहेंस वर्जन चाहिए तो आप इनका प्रो वर्जन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर अभी आप फ्री वर्जन से ही काम चला सकते हैं। तो फ्री वर्जन में आप इतने सारे यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्कीमा मार्कअप। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जाना कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आइटम रिव्यूज है आपको जो चाहिए, ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, लेकिन अभी आपको इसको चेंजेस नहीं करने हैं। अभी सिंपली आपको स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है, चलिए सीधे चलते पोस्ट पे और आपको एक ऐड न्यू पोस्ट पे बताता हूँ कैसे आपको स्कीमा मार्कअप ऐड करना है अपनी वेबसाइट्स में। तो मैं जा रहा हूं ऐड न्यू पोस्ट पे, और ऐड न्यू पोस्ट पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे। अभी मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन देना नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं स्कीमा मार्कअप। तो जैसे ही आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे और प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास एक ऑप्शन में आएगा कॉन्फिगर रिच स्निपेट। कॉन्फिगर रिच स्निपेट्स में आपको यहाँ पर इजिली आप स्कीमा मार्कअप ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेक्ट व्हाट दिस पोस्ट इज अबाउट, जो पोस्ट है आपकी किस बारे में है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी पोस्ट है एग्जांपल के लिए, मैं रिव्यू देना चाहता हूँ किसी आइटम का। जैसे मैं आइटम रिव्यू सिलेक्ट करता हूँ मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपली बस हमें इसको फॉर्म को फिल करना है, रिव्यूअर का नेम दे देना है, आइटम टू बी रिव्यूड दे देना है, यहाँ पे आइटम रिव्यू टाइप किस टाइप का हमारा लाइक प्रोडक्ट है उस टाइप को मैं सिलेक्ट कर देना है, रिव्यू रेटिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 5-स्टार रेटिंग सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट, दैट्स इट हो गया, और बस आपको बस इतना फिल कर देना है, दैट्स इट। आप इसको अब यहां से अपडेट और पब्लिश कर सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है स्निपेट्स को ऐड करने का, रिच स्निपेट्स को ऐड करने का और स्कीमा मार्कअप्स को ऐड करने का। आप इतना सिंपल तरीका अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसको यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो 2021 में कंपटीशन हाई होने वाला है, हमें एक-एक एडवांस टेक्निक का यूज करना है जिससे हम अपनी वेबसाइट्स को टॉप पर रैंक करा सके। तो इस टाइप से आपको स्कीमा मार्कअप का यूज करना। देखिए जैसे यहां पे आइटम रिव्यूज आ रहा था, हम और भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लाइक यहां पे देना चाहता हूं आर्टिकल के बारे में कुछ देना चाहता हूं, तो देखिए आर्टिकल की इमेज में दे सकता हूं। जैसे मेरा कोई आर्टिकल मैं सर्च इंजन रिजल्ट पे जिस पर अपने आर्टिकल शो कराना चाहता हूं, तो उसकी इमेज में दे सकता हूं, आर्टिकल का नेम दे सकता हूं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, ऑथर का नेम दे सकता हूं, पब्लिश लोगो दे सकता हूं, सब कुछ मैं यहां पे देख सकता हूं, फिर इसको अपडेट हम कर देंगे। तो ये तो था वर्डप्रेस पे कि कैसे मैं वर्डप्रेस पे स्कीमा मार्कअप को ऐड करना है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं कोडिंग वाली वेबसाइट्स में स्कीमा मार्कअप को ऐड करना है। तो सिंपल, ये और सिंपल कोडिंग वाली वेबसाइट में सिंपल आपको यहां पे लिखना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल। आप यहां पे लिखेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर। तो जैसे ही आप स्कीमा मार्कअप जनरेटर लिखेंगे आपके सामने मैं ये वाली वेबसाइट आपको सजेस्ट करता हूं technicalseo.com। आप इस पर जाएंगे और इजीली स्कीमा मार्कअप यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर आ चुका हूं और आप यहां पर देखेंगे किस टाइप का स्कीमा मार्कअप आपको यहां पे जनरेट करना है। आर्टिकल्स के लिए करना है तो आप आर्टिकल यहां पे सिलेक्ट कर देंगे और फिर यहां पे आप आर्टिकल्स के लिए स्कीमा मार्कअप जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सिंपली यहां पे जो जो बोला आर्टिकल का टाइप, जैसे यहां पे थोड़ा सा देखिए आर्टिकल का टाइप किस टाइप का आर्टिकल है, हेडलाइन क्या है आपकी, उसकी जो भी आपके ब्लॉग है उसकी हेडलाइन क्या है, इमेज की यूआरएल क्या है, इमेज के यहां पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना। सिंपली आप जैसे जैसे यहां पे देते जाएंगे यहां पे स्कीमा का कोड यहां पर लाइक यहां पे प्रिपेयर होता जाएगा। जैसे मैं आर्टिकल का लाइक हेडलाइन दे देता हूं ये, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कीमा का कोड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। जैसे जैसे हम पे टाइप्स वगैरह देते जाएंगे स्कीमा के कोड से यहाँ पर प्रिपेयर होते जाएंगे, दैट्स इट। इस कोड को फिर हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से इस कोड को कॉपी करके हमें अपनी वेबसाइट्स में इस कोड को इंप्लीमेंट कर देना है। हेड सेक्शन में हम अपनी वेबसाइट में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट्स इट।
हमारी कोडिंग वाली वेबसाइट में भी स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब हम स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हम अपनी वेबसाइट में कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट है या नहीं। उसके लिए आपको गूगल पे एक टूल सर्च करना है जो गूगल की तरफ से फ्री टूल है और गूगल का ही टूल है। आपको गूगल पे सर्च करना है स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल। स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, आपको बस सिंपली अपनी यूआरएल को इसमें देना है। जैसे मेरी यूआरएल है digitalsimum.co, मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। दैट्स इट, हमें रन टेस्ट करना है तो हम अपनी वेबसाइट में देख सकते हैं कि स्कीमा मार्कअप हमने यूज किया या नहीं। तो जैसे ही हम स्कीमा मार्कअप का यूज करेंगे हमारी वेबसाइट में यहाँ पर जो डिटेक्टेड सेक्शन है डिटेक्टेड, तो यहाँ पर शो होने लगेगा कि स्कीमा मार्कअप कौन कौन से स्कीमा मार्कअप हमने यूज किया। आर्टिकल्स के लिए यूज किया तो यहाँ पे आर्टिकल्स आ जाएगा, लाइक हमने रिव्यूज के लिए यूज किया स्कीमा मार्कअप तो रिव्यूज आ जाएगा, और इससे हमारी वेबसाइट जो गूगल का क्रॉल होता है इजिली क्रॉल कर लेगा और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होने लगेगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।